हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट क्राफ्टिंग वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और हर बार की तरह ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास ट्वेल्थ की होम साइंस की प्रैक्टिकल फाइल, जो बिल्कुल ही न्यू सिलेबस के ऊपर बनाई गई है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि जो ये फाइल है वो हमारे सिलेबस की नहीं है, तो ये जो इस समय क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस चल रहा है, ये फाइल बिल्कुल उसी के ऊपर बनाई गई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम फाइल बनाते हैं तो सबसे पहले हम फाइल का कवर पेज बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, एक सुंदर सा कवर पेज जो मैंने फाइल का बनाया हुआ है। इस कवर पेज में मैंने जो भी हम होम साइंस में पढ़ते हैं, जिन टॉपिक्स को भी हम होम साइंस में पढ़ते हैं, मैंने उसको इस कवर पेज पे बना दिया है। उस टॉपिक्स के अलग अलग डायग्राम्स को इस कवर पेज पर बना दिया है, तो ये आप देख सकते हैं। तो अब कवर पेज के बाद जो अगला नंबर होता है वो होता है इंडेक्स का। तो चलिए इंडेक्स देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रही ट्वेल्थ क्लास की इंडेक्स, जो बाहर से देखिए मैंने एक शर्ट के रूप में इंडेक्स तैयार करी है। मतलब जो बाहर का इसका कवर पेज है वो आपको एक शर्ट के रूप में दिखाई दे रहा होगा। आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे। तो चलिए अब इंडेक्स के टॉपिक देख लेते हैं। पहला टॉपिक है विकास और वृद्धि, दूसरा टॉपिक है शैशवावस्था में होने वाले विभिन्न विकास, तीसरा है शैशवावस्था के मुख्य संक्रामक रोग, चौथा है बच्चों की वैकल्पिक देखरेख तथा उनके प्रकार, फिफ्थ टॉपिक है समेकित बाल विकास योजना, सिक्स टॉपिक है आहार नियोजन यानी कि मील प्लानिंग, सेवन्थ है निर्जलीकरण, एट्थ है जीवन रक्षक घोल यानी कि ORS, नाइन्थ है घरेलू विधियों से जल को शुद्ध करना, टेंथ है भोज्य पदार्थों में मिलावट तथा जांच परीक्षण, इलेवेंथ है धन प्रबंधन यानी कि मनी मैनेजमेंट, और ट्वेल्थ यानी कि लास्ट टॉपिक है उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता की समस्याएं तथा उनके संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपाय। तो ये हमारे ट्वेल्थ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम फाइल में लिखेंगे। तो चलिए अब आगे इनकी डिटेल देख लेते हैं कि किस तरीके से लिखे जाएंगे और इनके डायग्राम्स कैसे बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है वृद्धि और विकास यानी कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो फर्स्ट टॉपिक में सबसे पहले हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अर्थ लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद उसका उसमें क्या अंतर है वो लिखेंगे। और साइड में देखिए मैंने यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है वृद्धि और विकास का, कि बच्चे के अंदर वृद्धि और विकास कैसे हो रहा है वो हम बनाएंगे। सेकेंड टॉपिक है हमारा शैशवावस्था में होने वाले विभिन्न विकास। बहुत सारे विकास होते हैं शैशवावस्था में, जैसे शारीरिक विकास, भाषा का विकास, गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। तो ये सारे विकास शैशवावस्था में होते हैं। शैशवावस्था जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की अवस्था को माना जाता है। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि शैशवावस्था में कभी भी नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि बच्चों के अंदर उचित और अनुचित को समझने की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, वो नहीं होती है, इसलिए बच्चों के अंदर नैतिक विकास नहीं होता। अगला थर्ड टॉपिक है हमारा शैशवावस्था के मुख्य संक्रामक रोग यानी और उनसे बचाव के उपाय। तो शैशवावस्था में बहुत सारे संक्रामक रोग होते हैं, उनके फैलने के कारण भी होते हैं अलग अलग, किस कारण से वो फैलते हैं। जैसे अगर हम कहें तो दूषित खाना खाने से, दूषित पानी पीने से, या वायु के द्वारा, जल के द्वारा, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके द्वारा बच्चों के अंदर संक्रामक रोग फैलते हैं। शैशवावस्था में बहुत सारे संक्रामक रोग होते हैं, जैसे कि TB यानी कि तपेदिक हो गया, पोलियो, अतिसार, खसरा, हैजा, उसके अलावा अगर मैं कहूँ आपसे तो रोहिणी, डिफ्थीरिया, काली खांसी। तो ये सारे जो रोग हैं वो बच्चों के अंदर यानी कि शैशवावस्था में होते हैं, और इनसे निरंतर बचाव के उपाय करते रहना चाहिए। बच्चों को शुद्ध खाना खिलाना चाहिए, दूषित खाना नहीं खिलाना चाहिए। तो ये सारे हम इस फाइल में, इस टॉपिक के अंदर लिखेंगे। फोर्थ टॉपिक है हमारा बच्चों की वैकल्पिक देखरेख के उपाय। तो ये आप देख सकते हैं कि घर पे जो माता पिता होते हैं वो बच्चों की देखरेख करते हैं, लेकिन अगर माता पिता दोनों ही जॉब वाले हैं, नौकरी करते हैं, तब उनकी वैकल्पिक देखरेख में दादा दादी, नाना नानी, उनके पास पड़ोसी, या जो हम पैसा देकर किसी जो है मेड सर्वेंट को घर पे रख लेते हैं, या बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं, तो ये हमारे बच्चों की क्या कहलाते हैं, वैकल्पिक देखरेख के उपाय कहलाते हैं। इसमें से एक उपाय क्रेच भी है। जब हम बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं तो वो बच्चों के क्रेच कहलाते हैं, जहाँ पर क्रेच में जो टीचर होती हैं वो बच्चों की उचित देखभाल करती हैं, अच्छी प्रकार से देखभाल करती हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम भी बने हुए हैं और साथ में यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब देखते हैं अच्छे क्रेच की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। क्रेच होता है जब बच्चों का जो प्ले स्कूल होता है उसे क्रेच कहा जाता है। तो क्रेच में क्या क्या जो है विशेषताएं होती हैं, वहाँ पर उनको खिलाया भी जाता है, अच्छे से उनके साथ प्ले भी किया जाता है, वहाँ पर व्यायाम की सुविधा भी होती है, विश्राम सोने की सुविधा भी होती है, वहाँ पर जो है बच्चों के लिए हर प्रकार से मनोरंजन की सुविधा होती है। तो एक अच्छे क्रेच की विशेषताएं हैं ये। फिफ्थ टॉपिक है हमारा समेकित बाल विकास योजना, यानी कि ICDS जिसको हम कहते हैं। ICDS की जो शुरुआत थी वो 1975 में की गई थी, जो है माता और बच्चे को लेकर उनकी जो है शुरुआत की गई थी। इनका ये था सोचना कि जो माताएं और बच्चे किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित रह जाते हैं उनको ये सुविधाएं देते थे। इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, जैसे कि पूरक आहार की व्यवस्था करना, टीकाकरण, अनौपचारिक शिक्षा, आहार शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा। तो ये सारे कार्यक्रम समेकित बाल विकास योजना के द्वारा चलाए गए थे माता और उसके बच्चे के लिए। तो ये हमारा फिफ्थ टॉपिक है। अगला नेक्स्ट सिक्स टॉपिक है आहार नियोजन, जिसे हम मील प्लानिंग कहते हैं। आहार नियोजन का अर्थ उद्देश्य, प्रभावित करने वाले कारक, आवश्यकता, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में लिखने वाले हैं। आहार नियोजन का मतलब होता है जब मील प्लानिंग की जाती है, यानी कि आहार की प्लानिंग की जाती है परिवार के सदस्यों के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, तब वो आहार नियोजन कहलाता है। आहार नियोजन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे फैमिली मेम्बर्स को जितनी उनकी आवश्यक मात्रा है उनको दी जा सके, इसलिए आहार नियोजन किया जाता है। ये आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए आप ये भी ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहला कारक है आयु, जलवायु, शारीरिक आवश्यकताएं, परिवार के सदस्यों की संख्या, आहार की उपलब्धता, पारिवारिक परंपराएं, रुचियां, अवसर, इस तरीके से हैं। बाकी आप साइड में देख सकते हैं कि डायग्राम बने हुए हैं, जैसे जलवायु को दिखा रहा है, ये एक तरफ गर्मी हो रही है, दूसरी तरफ बरसात हो रही है, तो ये जलवायु को दिखा रहा है। ऐसे आप यहाँ पर और भी डायग्राम बना सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, ये आपको समझाने के उद्देश्य से इतना बताया गया था। इस तरीके से यहाँ पर आप अब हेडिंग वाइज इनको डिटेल में लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि फ़ाइल बहुत जल्दी जल्दी वीडियो निकल रही है फ़ाइल की, तो अगर आप बना भी नहीं पा रहे हैं तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आराम से बना सकते हैं फ़ाइल। देखिए, इस तरीके से यहाँ पर परिवार की आर्थिक स्थिति यानी कि पैसे के बारे में दिया गया था। सेवन टॉपिक है हमारा निर्जलीकरण, बचाव एवं उपचार। निर्जलीकरण होता क्या है? जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब उस रोग को क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण बोलते हैं। तो ये देखिए, एक डायग्राम भी बना हुआ है और इधर निर्जलीकरण भी लिखा हुआ है निर्जलीकरण के बारे में। नाइन्थ टॉपिक है जीवन रक्षक घोल यानी कि ORS। जब शरीर में निर्जलीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है तब जीवन रक्षक घोल यानी कि ORS दिया जाता है। ORS की फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। यहाँ पर जीवन रक्षक घोल तैयार करना, जिसको हम घर पर तैयार कर सकते हैं, इसकी विधि दे रखी है। उबला हुआ पानी ले सकते हैं आप, नमक लीजिए, उसके बाद उसमें ग्लूकोज थोड़ा सा डाल के, पोटेशियम क्लोराइड डाल के आप घर पर ORS तैयार कर सकते हैं। ये रेडीमेड ORS जो पैकेट मिलता है उसका डायग्राम बनाया हुआ है इस तरीके से। बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। नाइन्थ टॉपिक है घरेलू विधियों द्वारा जल को शुद्ध करना। हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास पीने का जो पानी है यानी कि शुद्ध जो पानी है वो बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में है। अशुद्ध पानी ही हमारे आसपास ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो घरेलू विधियों द्वारा जल को जो शुद्ध किया जाता है उसकी तीन विधियाँ हैं। सबसे पहली है भौतिक विधि। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये भौतिक विधि का चित्र है, जिसमें हम आग यानी कि ताप का प्रयोग करते हैं। दूसरी है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में फिल्टर बैंड का प्रयोग किया जाता है। यांत्रिक विधि द्वारा जब जल को शुद्ध किया जाता है फिल्टर बैंड के द्वारा, तब इस विधि में क्या करते हैं, एक स्टैंड के ऊपर चार बराबर घड़े रखते हैं। पहले वाले घड़े में अशुद्ध जल डाला जाता है, सेकेंड वाले घड़े में उसके तली में छेद करके रेत या बालू बिछा दी जाती है, थर्ड वाले घड़े में
तली में छेद करके उसमें क्या डाला जाता है, उसमें रुई यानी कि कॉटन बिछा दी जाती है और लास्ट वाले घड़े में बिल्कुल शुद्ध जल आ जाता है। तो इस प्रकार से जब सबसे ऊपर वाले घड़े का जल यानी कि जो अशुद्ध जल है वो छन के नीचे जाएगा, नीचे वाले यानी कि सेकंड वाले घड़े में, उसमें से बालू में से छनेगा, फिर तीसरे घड़े में जाएगा, फिर कॉटन में से यानी कि रुई में से छन छन के चौथे वाले घड़े में लास्ट में पहुँच जाता है। तो इस विधि को बोलते हैं फिल्टर बैंड द्वारा जल को शुद्ध करने की विधि, जो कि यांत्रिक विधि है। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की तीसरी विधि है रासायनिक विधि, जिसे हम रासायनिक साधनों द्वारा भी जल को शुद्ध करने की विधि कहते हैं। इसमें बहुत सारे जो है कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाल दवा जिसे हम पोटेशियम पर मैग्नेट के नाम से जानते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा क्लोरीन हो गया, तूतिया हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इन सब दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें रासायनिक साधन के नाम से जाना जाता है। तो हमारा 10वां टॉपिक है भोज्य पदार्थों में मिलावट तथा जांच परीक्षण। हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी खाने की चीज़ें हैं सभी में मिलावट की जाती है, मिलावट पाई जाती है। मिलावट कहते किसे हैं? किसी भी भोज्य पदार्थ में से किसी भी दूसरे पदार्थ को मिला देना अथवा निकाल लेना क्या कहलाता है? मिलावट कहलाता है। लोग समझते हैं कि किसी भी चीज़ में किसी भी दूसरी चीज़ को मिला दिया तो वो मिलावट है। ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ में से किसी आवश्यक तत्व को निकाल लेना भी मिलावट के नाम से ही जाना जाता है। जैसे अगर हमें दूध की बात करूं तो दूध में से जो क्रीम है तो अगर हम उसको निकाल लें तो वो केवल एक पानी पतला ही दूध रह जाएगा, उसमें जितने भी गुड़ थे वो उसके क्रीम के रूप में निकल गए। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ को मिलाना ही मिलावट नहीं है, किसी भी चीज़ को निकाल लेना भी मिलावट के नाम से जाना जाता है। तो मिलावट की इस समस्या से बचने के लिए जो एक्ट बनाया गया वो बनाया गया था 1954 में यानी कि 1954 में, और जिसका नाम था खाद्य अपमिश्रण अधिनियम। ये आप देख सकते हैं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम जो 1954 में बनाया गया था, ये मिलावटी जितनी भी समस्याएं थी उनसे बचाव के लिए बनाया गया था। अब आगे बात करते हैं कि जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें किन किन चीज़ों की मिलावट की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं काली मिर्च की। काली मिर्च में सभी जानते हैं पपीते के बीज की मिलावट की जाती है। इसके अलावा जो अरहर की दाल और बेसन होते हैं उसमें खेसारी दाल की मिलावट की जाती है, जिससे लैथिरस रुगर्ता नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा जो सरसों का तेल होता है उसमें आर्जिमोन तेल की मिलावट की जाती है, जिसे एपिड्रेमिक ड्रॉपसी नामक रोग हो जाता है, जो बहुत घातक रोग है, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। इसके अलावा जो हमारा पिसा हुआ धनिया होता है मसाले वाला, उसमें लकड़ी के बुरादे की मिलावट की जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो जितने भी घी हैं, शुद्ध देशी घी हैं, उसमें वनस्पति घी की मिलावट, वनस्पति तेल की मिलावट की जाती है। तो ये सारी जो मिलावट हैं वो हमारे समाज में हो रही हैं, और जितने भी विक्रेता वर्ग हैं वो स्वार्थवश और लाभ कमाने के लिए मिलावट करते ही हैं। इनसे इनकी जो जाँच है वो अलग अलग तरीके से की जाती है, जैसे कि दूध में अगर मिलावट की जाँच करनी है तो लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। इसके अलावा अगर मावे में आयोडीन, मावे में अगर जो है जाँच करनी है मावे की, तो वो आयोडीन के माध्यम से की जाती है, आयोडीन की बूंदों के माध्यम से की जाती है। तो इस तरीके से इसकी जाँच की जाती है। तो ये था हमारा भोज्य पदार्थों में मिलावट और उनसे और उनका जाँच का परीक्षण। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट 11th टॉपिक है धन प्रबंधन यानी कि मनी मैनेजमेंट। सभी लोग जानते हैं कि अपने घर परिवार को अच्छे से चलाने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। तो वो पैसा हमारा पारिवारिक आय के रूप में जाना जाता है, जिसे हम फैमिली इनकम बोलते हैं। तो ये फैमिली जो इनकम है बहुत ज़रूरी है अपने परिवार को चलाने के लिए। इसके अलावा बचत बहुत ज़रूरी है। पारिवारिक बचत नहीं करेंगे हम तो जितने भी हमारी फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं हम उनसे नहीं निपट सकते। इसके साथ साथ इसकी बचत भी ज़रूरी है। जब पैसा आता है तो वो खर्च भी होता है, उसकी बचत भी की जाती है। और ये सब चीज़ें तभी संभव हो सकती है जब हम अच्छे से अपने घर में बजट बनाएं। तो ये सारी चीज़ें हम धन प्रबंधन के अंतर्गत लिखेंगे। इसके अलावा जो पारिवारिक बचत जिस रूप में होती है उसके कई साधन होते हैं, जैसे कि बैंक, डाकघर, तो ये सब चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि टॉपिक नंबर 12, उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता के अधिकार, समस्याएं, संरक्षण तथा बचाव के उपाय। सभी लोग जानते हैं कि वस्तुओं का उपभोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है। जब उपभोक्ता के अधिकार, समस्याएं, संरक्षण और उनसे बचाव के उपाय के बारे में अध्ययन किया जाता है, शिक्षा ग्रहण की जाती है, तब उसे हम उपभोक्ता शिक्षा कहते हैं। तो ये तो बात हुई उपभोक्ता शिक्षा की। अब देखते हैं उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार होते हैं जो उपभोक्ता के पास होते हैं।
उपभोक्ता का पहला अधिकार है अच्छी किस्म की वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार, दूसरा है सुरक्षित सामग्री प्राप्त करने का अधिकार, तीसरा अधिकार है अपनी मर्जी से जो है सामग्री प्राप्त करने का अधिकार, और अगर वो सामग्री उसे प्राप्त नहीं होती तो उस पर सुनवाई करने का अधिकार भी उपभोक्ता के पास होता है। इसके बाद देखते हैं कि उपभोक्ता की कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो उपभोक्ता की बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिससे वो परेशान रहता ही रहता है। उपभोक्ता की पहली समस्या है निम्न गुणवत्ता की सामग्री प्राप्त होने का अधिकार, दूसरी है मूल्यों में अंतर की समस्या, तीसरी है वस्तुओं में मिलावट की समस्या, दोषपूर्ण मापतोल की समस्या, भ्रामक विज्ञापनों की समस्या। तो ये सारी समस्याएं उपभोक्ता की समस्याएं हैं। उपभोक्ता की इन समस्याओं से बचने के लिए भारत सरकार ने उपभोक्ता के संरक्षण हेतु बहुत सारे भारतीय मानक चिन्हों की व्यवस्था की है, जैसे ISI, एगमार्क, FPO, हॉलमार्क, वूलमार्क। इन सभी मानक चिन्हों की व्यवस्था भारत सरकार ने उपभोक्ता की समस्या को ध्यान में रखकर की है। सभी जानते हैं जितनी भी हमारी विद्युत चालित उपकरण है उस पर ISI यानी कि भारतीय मानक संस्था का चित्र होता है, मार्क बना हुआ होता है। इसके अलावा जितनी भी हमारी ज्वेलरी से संबंधित चीज़ें हैं उस पर हॉलमार्क का साइन बना हुआ होता है। जितनी भी फ्रूट की जो पेटियाँ होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उस पर FPO यानी कि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, इसका मार्क बना हुआ होता है। जितनी भी खाद्यान्न से संबंधित चीज़ें होती हैं उस पर एगमार्क का साइन बना हुआ होता है, और जितनी भी हमारी ऊन से संबंधित या ऊन जो आती है उसके ऊपर हमारा वूल मार्क का साइन बना हुआ होता है। तो ये सारे साइन यानी कि भारतीय मानक चिन्ह भारत सरकार ने उपभोक्ताओं की समस्याओं से बचने के लिए बनाए थे। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा यानी कि टॉपिक नंबर 13, विभिन्न प्रकार के दाग धब्बे छुड़ाना। तो हमारे जो वस्त्र हैं उन पर अन्यथा या कभी अचानक से ही स्टेन यानी कि धब्बे लग ही जाते हैं, चाहे वो धब्बे किसी भी चीज़ के हों, चाहे वो लिपस्टिक का धब्बा हो, चाहे कॉफ़ी का धब्बा हो, दवाइयों का धब्बा हो, नेल पॉलिश का धब्बा हो, किसी भी चीज़ का धब्बा हो, तो ये हमारे कपड़ों पर लग ही जाते हैं। स्याही का धब्बा हो, हल्दी का धब्बा हो, किसी भी चीज़ का धब्बा हो तो वो उनसे वस्त्रों पर लग ही जाता है। तो ये हम लिखेंगे फाइल में। इसके अलावा आप साइड में देख सकते हैं कि एक हमने छोटे से कपड़े पर धब्बे यानी कि स्टेन लगाकर उसको पेस्ट कर दिया है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर अगला टॉपिक है वस्त्रों की धुलाई, अलग अलग वस्त्रों की धुलाई कैसे की जाती है। और यहाँ पर आप ऊनी वस्त्र देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ऊनी वस्त्र बनाकर लगा दिए हैं, तो ऊनी वस्त्रों की धुलाई कैसे की जाएगी इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ऊनी वस्त्रों को कभी भी धोकर लटकाना नहीं चाहिए, उससे क्या होती है उनकी ऊन लटक जाती है। ऊनी वस्त्रों को हमेशा धोकर किसी भी स्थान पर रख देना चाहिए जिससे उनका पानी जब निचुड़ जाए तब उनको फैलाना चाहिए। कपड़े धोने के बाद कपड़ों पर प्रेस करने की बारी आती है, तो कपड़ों पर अलग अलग प्रकार की अलग अलग तरीके से प्रेस की जाती है। किसी पर हल्की प्रेस की जाती है, किसी पर तेज। यहाँ पर आप प्रेस के चित्र देख सकते हैं, एक कोयले से चलने वाली प्रेस है और एक विद्युत चालित प्रेस है। अगला टॉपिक है हमारा 15 टॉपिक, सिले सिलाई वस्त्रों के माप की जांच तथा गुणवत्ता की जांच। सबको पता है कि हम दो प्रकार से वस्त्र धारण करते हैं, एक तो खुद ही घर में सिलकर और एक सिले सिलाई यानी कि रेडीमेड। तो जब रेडीमेड कपड़ों को लिया जाए तब किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए, इस टॉपिक में हम वो लिखेंगे। सबसे पहले जोड़ यानी कि कपड़ों का जोड़ जो है वो अच्छी तरीके से फिट है या नहीं है, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। हेम या तुरपन, जो नीचे तुरपन हो रखी होती है उसकी जानकारी, उसको अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। काज बटन को चेक कर लेना चाहिए कि अच्छे से लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। कपड़ा कैसा है, कपड़े को भी चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा अस्तर और बुकरम जो उसमें लगा हुआ है उसको भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि अस्तर जब हम कपड़ा धोते हैं तब अस्तर सिकुड़ता है, इसे इस चीज़ की जानकारी, कफ और कॉलर की जानकारी जो है अच्छी तरीके से कर लेनी चाहिए। इसके अलावा वस्त्रों पर जो लेबल लगे हुए होते हैं उसकी जानकारी भी अच्छी तरीके से हमें कर लेनी चाहिए। तो ये रेडीमेड जो वस्त्र थे उनकी हमने जाँच से संबंधित बातें यहाँ पर पढ़ी। तो ये इस तरीके से हैं, ये आप सभी टॉपिक फाइल में लिखे अच्छे तरीके से। ये जो मैंने अभी आपको वूल मार्क बताया था जो ऊनी वस्त्रों पर होता है, ये कुछ इस तरीके का साइन होता है वूल मार्क का। इसके अलावा हमारा अगला टॉपिक है 16 टॉपिक, एप्रन। सभी को पता है कि 12th क्लास में कुकिंग का कोर्स होता है, कुकिंग का प्रैक्टिकल भी होता है, कुकिंग की क्लासेस भी चलती हैं, तो आप कुकिंग भी करते हैं। इसलिए जब कुकिंग करते हैं तो हमें एप्रन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है जिससे हमारे कपड़े, हमारे वस्त्र गंदे ना हों,
तो यहाँ पर हम एप्रन बनाने की विधि भी लिखेंगे, मेथड भी लिखेंगे किस तरीके से एप्रन बनाया जाता है। लास्ट टॉपिक है हमारा रेसिपी, तो इस रेसिपी के बारे में भी हमें यहाँ पर लिखना है। तो मेरे क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स, ये थी आपकी क्लास ट्वेल्थ की होम साइंस के प्रैक्टिकल फ़ाइल। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको फ़ाइल समझ में नहीं आई या फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप फ़ाइल इसको देखकर भी बना सकते हैं। अगर आपको फ़ाइल जल्दी जल्दी लग रही है कि जल्दी जल्दी चल रही है, प्ले हो रही है, तो आप फ़ाइल को पॉज करके अच्छी तरीके से उस पेपर के बारे में लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।